नमस्ते बतिया दौरावत के सुजान श्रोताओं का आज भक्ति की बतिया में मीराबाई से मिलने हेतु प्यार भरा स्वागत। आज मैं मीराबाई का बहुत ही लोकप्रिय पद चाला माही देश के बारे में बतिया करूंगी। मीराबाई से परिचित प्रायः सभी श्रोता इस पद से भी परिचित होंगे और इसे माननीय लता दीदी तथा आदरणीय किशोरीताई जी दोनों ही ने अजरामर किया है। मैंने स्वयं भी बहुत वर्ष पूर्व मीराबाई के इस पद को बंदिश रूप दिया है। राग विभास ताल विलंबित रूपक में निबद्ध इस बंदिश को राग रचनांजलि के प्रथम भाग में पाया जा सकता है। अब की बार मैंने इस पद को गीत का अवगुंठन देते हुए प्रस्तुत किया है। राग को बदला नहीं है, विभास में ही रचना की है। इस पद में मुझे कहीं भी मीराबाई की हरि मिलन की आस या हरि ना मिलने की वजह से अनुभव होने वाली तड़प, उनके अधिकार भावना कुछ नजर नहीं आती। जैसे उन्हें उनका प्रीतम मिल गया हो, उनकी मिलन भावना साकार हुई हो और फिर संतृप्ति से मीराबाई अपने प्रियतम से ये कह रही हूँ कि बस अब मेरा जीवन सफल संपूर्ण हो गया है, मुझे अपने साथ अपने देश ले चलो, हो प्रीतम चाला वाही देश। अब मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं, किसी बात की चाह नहीं, मैं श्रृंगार करूँ या जोगन भेष धरूँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपने वांछित ध्येय को प्राप्त कर चुकी हूँ। समर्पण के बाद की प्रगल्भ संतृप्त प्रौढ़ मीरा जो अपने गिरधर गोपाल में समा गई हो, एकाकार हो गई हो, एक रूप हुई हो, कुछ ऐसा भाव मुझ में जाग उठता है इस पद को गाते हुए। मेरी दृष्टि के सामने मुझे नदी के प्रवाह के बीचों बीच नाव में बैठी मीराबाई दिखाई देने लगती है, जो बीच मझधार में बहते बहते सहज ही रूप से धीरे धीरे ये पद गाए चली जा रही है, ओ प्रीतम चाला वाही देश। Yeah.